थाना सदर हसन अब्दाल के दूध ब्रांड गांव में तंबाकू कंपनी के पास से मिलने वाली नामालूम लाश की शनाख्त हो गई। 17 साल अब्दुल राफे बद शाहिद अख्तर सदीकी का तल्लुक गुलिस्तान कॉलोनी वाकेंट से था। इस नौजवान को छुरियों के वार से कत्ल किया गया और लाश को बुरहान चौकी के करीब खेतों में फेंक गए। खेतों में लाश देखकर इलाका मकीनों ने फौरी तौर पर 15 पर कॉल की। वाकई की इतला मिलते ही सदर पुलिस थाना हसन अब्दाल और रेस्क्यू 112 मौके पर पहुंच गई। लाश को कब्जे में लेकर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां नौजवान का पोस्टमार्टम किया गया। चूंकि अब्दुल राफे कल से लापता था और घर वालों को इसकी तलाश जारी थी, पुलिस से रब्ता होने के बाद नौजवान की मैयत मकतूल के चचा के सुपुर्द की गयी। मकतूल के वालिद चलने फिरने से माजूर है। कत्ल करने वाले जालमों ने बूढ़े बाप की बैसाखी छीन ली। जवान बेटे की मौत का सदमा माजूर बाप पर मत बनकर टूटा होगा। कैमरामैन मोहम्मद कलीमुल्लाह खान के साथ कैसर दिलावर जदून, शनासा टीवी, हसन अब्दाल। हम रखते हैं आपको हर खबर से बाखबर। मजीद बाखबर रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।